रक्त शिराओं में राना का रह रह आज हिलोरे लेता, मातृभूमि का कन कन त्रिन त्रिन हमको आज निमंत्रण देता। आज के इस महान दिवस पर वीर प्रसूता भारत माता की गोद में एक महान योद्धा ने जन्म लिया, जिसको सारा विश्व महाराणा प्रताप के नाम से जानता है। महाराणा प्रताप एक महान योद्धा थे। वो ऐसे राजा थे जिसकी दुनिया भर में प्रशंसा हुई। अपनी जनता के लिए उन्होंने, जब उनके राज्य को मुगलों ने अपने अधीन कर लिया, तो जनता के हित में उन्होंने जंगल में रहना स्वीकार कर लिया और भीष्म पितामह की तरह वो प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं अपने मेवाड़ को आज़ाद नहीं करवा लूँगा, तब तक मैं ना चारपाई पर सोऊंगा, ना बर्तन में खाना खाऊंगा और सादी रोटी खाऊंगा। उस समय अकबर उनके डर से थर्राता था। अकबर ने उनको ऑफर भेजी कि पूरा इतना विशाल हिंदुस्तान का आधा राज्य तुम्हें दे देता हूं, तुम मेरे आगे सिर झुकाओ। लेकिन उस वीर पुरुष ने वो राज्य ठुकरा दिया अपनी जनता के हित में, और अपने युद्ध कौशल से उन्होंने उसी अकबर से अपनी 85% जमीन जो है वो पुनः युद्ध में जीत ली। ऐसे राजा के राज्य में उनका जो घोड़ा था चेतक, उसका भी अपना रोल रहा, उसको भी दुनिया आके प्रणाम करती है। अमेरिका के राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन जब भारत आने लगे, उन्होंने अपनी माँ से पूछा, मैं भारत जा रहा हूँ, आपके लिए क्या लाऊं? माँ ने कहा, वहाँ हल्दी घाटी की रज लेके आना, उस स्थान की उस पवित्र मिट्टी को मैं अपने देश में फैलाऊंगी, ताकि यहाँ भी उसी तरह के वीर पैदा हों। ऐसे विलक्षण योद्धा को मेरा शत शत प्रणाम। मेरे पिताजी बचपन से ही उसकी जीवनी से बहुत प्रभावित थे। मुझे वो दिल्ली लेके गए, वहाँ बिरला मंदिर में उन्होंने एक घोड़े पर बिठा के मुझे तलवार पकड़ा कर और मेरी फोटो खींचाई और बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद जब भी बिजनेस का कुछ भी कोई कंपनी बनाई, सबका नाम महाराणा प्रताप के नाम से, राणा से शुरू किया। मैं ऐसी दिवंगत, ऐसी महान विभूति को शत शत नमन करता हूँ।